नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत और आप देख रहे हो मास्टर मैंटिक चैनल। दोस्तों, हमारी जो मोटरसाइकिल होती है उसमें दोस्तों एक 5-10 हज़ार किलोमीटर रनिंग करने के बाद एक प्रॉपर रनिंग नहीं है इसका, क्योंकि हमारे चलाने के स्टाइल पर है, हमारी जो मेन चेन होती है ड्राइव चेन वो लूज़ पड़ जाती है और आवाज़ करने लगती है। उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए, सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले चेन का प्ले कितना होना चाहिए और कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये दोनों स्पॉकेट है, मतलब दोनों जो व्हील है उसके बीच में अंदर से, ये देखो ये इधर एक है इधर एक है, बीच में अंदर से मतलब इधर इसका सेंटर आएगा। इधर हमें ये जो रूलर है इसे चेक करना है। ये देखो ये दोस्तों, ये अभी चेन है 6 आंकड़े पर है, मतलब 6 सेंटीमीटर पे है। तो दोस्तों ऊपर से ऊपर कितनी जाएगी, ये 1 पे जा रही है, मतलब 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका प्ले है। तो इसका प्ले दोस्तों 2 से 2.5 सेंटीमीटर इतना ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसका प्ले हम मैंने बता दिया कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैसे गिनते हैं। ये देखो ये 6 पे है, 1 पे जा रहा है, मतलब प्ले इसका बहुत बढ़ गया है, बहुत लूज़ हो गई है ये। दोस्तों हमें 2 सेंटीमीटर तक रखनी है, मतलब 6 से 4 या 3.5 पे जानी चाहिए, इतना ही होना चाहिए प्ले, लेकिन ये प्ले बहुत बड़ा है। तो दोस्तों ये अभी कैसे सेट करेंगे, कैसे टाइट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों टाइट करने के लिए जो एक्सल है उसके ये नट है, इसमें 2 नट है, एक पॉकेट का अलग है और एक्सल है। बहुत सी गाड़ियों में एक ही एक्सल होता है, उस पर ही सब फिट होता है, वो हमें लूज़ करके लेना है। ये मैंने एक्सल इसका लूज़ किया है और ये भी नट मैं लूज़ करके लेता हूँ। ये नट लूज करके ले लिया मैंने। और दोस्तों अब हमें 10 नंबर का एक टूल चाहिए ये नट खोलने के लिए। तो 10 नंबर का टूल मैं ले लेता हूँ। ये देखो ये हमें दोस्तों, इसमें 2 नट होते हैं, ये एडजस्टर है हमारा, ये देखो उसमें से एक हमें पूरा लूज़ करके लेना है और जो बीच वाला नट है ये देखो ये, इसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेना है। ये देखो दोस्तों, जैसे टाइट करोगे तो आपकी चेन भी टाइट होने लगेगी। ये देखो ये चेन भी मैंने पकड़ी हुई है और ये नट मैं टाइट कर रहा हूँ। ये देखो जैसे मैं करता हूँ चेन भी टाइट होने लगी, अब थोड़ी टाइट हो गई है। तो मैं अभी इसका प्ले चेक करूँगा। ये देखो जिधर मैंने पहले रोलर रखी थी उधर ही रखूँगा। देखो दोस्तों ये प्ले देखो 4.5 पे गया, 4.5 से 3.5 गया, मतलब 2 सेंटीमीटर है। ये देखो ये 4.5, इसके बाद 2.5 पे गया, सॉरी 3.5 पे नहीं, ये 2 के बाद 2.5। ये देखो मतलब ये 2 सेंटीमीटर इधर बीच का गैप हमें गिनना है। ये देखो मतलब ये हमारा प्ले है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। आपको ज़्यादा चाहिए तो 2.5 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, 2 से 2.5, ज़्यादा भी टाइट नहीं करनी है, ज़्यादा भी लूज़ नहीं रखनी है। तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर पे रख दी। अब दोस्तों मैं ये वाला नट टाइट करके ले लेता हूँ। और दोस्तों टाइट करके वक्त चेन ऐसे पकड़ के रख के टाइट करना है, क्योंकि उससे ये जो वाला है ये लूज़ होता है जाता है। टाइट करने के बाद फिर हम प्ले चेक करेंगे एक बार। ये देखो ये बीच वाला 4.5 पे 2.5 पे जा रहा है, 2.5 से थोड़ा आगे जा रहा है, ठीक है 2.2 वगैरह है ये प्ले है। अब हम व्हील को घुमा के देखते हैं, आवाज़ वगैरह ज़रा भी नहीं दे रहा है। ये देखो, और दोस्तों अगर आपका प्ले ऐसे रखने पर कम ज़्यादा होता है घुमाने के बाद, तो आपको ये चेन पॉकेट चेंज करना पड़ता है। ये देखो ये जो हमारा प्ले है ये एक ही जो रखा है हमने उधर ही रहता है, उसी हमारे चेन पॉकेट जैसे जाता है, तो ऐसे आप पकड़ के रखोगे तो ऊपर नीचे होती है, तो उस सिचुएशन में आपको चेन पॉकेट चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों अब ये तो चेन हमने सेट की है, अब हमें अलाइनमेंट चेंज सेट करनी होती है। ये देखो दोस्तों ये हमने इधर देखा, ये आपको दिख रहा होगा इधर का मार्किंग,
कैमरा फोकस करके लेता हूँ। ये देखो जैसे दोस्तों इधर मार्किंग हमारा सेट हो गया है, वैसे ही उस साइड होना मांगता है, नहीं तो हमारा जो ये व्हील है, टायर है पीछे का, वो क्रॉस बैठेगा और टायर एक साइड से ख़राब हो जाएगा जल्दी, और हमारी गाड़ी भी एक साइड जाएगी। जैसे हम हाथ छोड़ देते एक साइड पुल होगी हमारी गाड़ी। दोस्तों जैसे ये हमारा मार्किंग है इधर, ये देखो ये मेन बान, उसके पीछे का एक एरो है, इधर ऐसे रखना है। हम अभी उस साइड जाते हैं, वहाँ भी ऐसे ही सेटिंग करके लेते हैं। दोस्तों ये देखो ये मार्किंग है, इसमें ज़्यादा डिस्टेंस है, ये देखो ये हमें आगे तक ले जाना है, क्योंकि पहले चेन लूज थी, इस पर सेटिंग था। ये देखो इसके लिए दोस्तों एडजस्टर है, उसका नट मैं फिट करूँगा। सेम उस साइड की तरह इसकी भी पोजीशन आनी चाहिए, जो मार्किंग है वो सेम होनी चाहिए। एक बार उधर देखता हूँ मैं, एकदम कट टू कट ऐसे लगा हुआ है, ये देखो सेम इसी सिचुएशन पे है ये। तो दोस्तों इसी पोजीशन पे है, सॉरी सिचुएशन नहीं, गलती से बोल दिया, ये देखो। तो दोस्तों अब हमारा अलाइनमेंट भी हो गया है ठीक, अब हमें सिर्फ एक्सल का नट टाइट करना है दोनों तरफ का, और हमारा जो चेन का एडजस्टमेंट है वो हो गया है अभी। और उसके बाद ये 150 है इसका चेन कवर मैंने निकाला है, वो चेन कवर मैं लगा ले लेता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि चेन का एडजस्टमेंट कैसे करता है, कितना प्ले होना चाहिए उसमें, और एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो पीछे का अलाइनमेंट हिलता है वो ठीक कैसे करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप नए हो, नए व्यूवर्स हो, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियो हो जिससे आपको बहुत जानकारी मिल सकती है, आपके काम के हो सकते हैं, आपको बहुत हेल्प हो सकती है, ऐसे वीडियो में आप इस चैनल पे डालता रहता हूँ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।